हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ सैंडविचेस। हमारे पास चिकन नहीं है तो हम इसमें सॉसेजेस डालेंगे। ये देखिए, सॉसेजेस का पैक है मेरे पास, तो ये सॉसेजेस हम डालेंगे। ये बिल्कुल फ्रीज हुए हैं, मैं इसको डीप फ्रीज करूँगी। ये भी दिखाऊँगी कि कैसे करना है, ताकि इसका जो है वो, क्योंकि हम इसको माइक्रोवेव में करेंगे तो वो बिल्कुल जिस तरह से बिल्कुल अच्छे से अंदर से जिस तरह से टेंडर होते हैं वैसे नहीं होंगे। ये साथ मैंने चीज़ के पैक्स लिए, चीज़, ये चेडर चीज़ है, आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये स्लाइसेस चीज़ थे तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। बाकी मैंने सब्ज़ियाँ जो हैं वो काट ली हैं, वेजिटेबल्स मैं आपको दिखाती हूँ। हमने लिए हैं इसके लिए टोमेटोज, कैप्सिकम और ये कैबेज छोटी छोटी काट ली है। इसके अलावा कैरेट, एज यू कैन सी, ये भी हमने छोटी छोटी काट ली है। इसके अंदर मैं थोड़े स्पाइसेस ऐड करूँगी, सॉल्ट और पेपर, और इसके साथ इसके अंदर मेयोनीज ऐड करेंगे, और फिर जो है वो कॉर्न भी ऐड करने हैं मैंने, मैं आपको दिखाती हूँ वो भी। तो ये सारी चीज़ें ऐड करके हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो आपने ये नोट कर लेना है कि जो ब्रेड है वो आपने लेनी है सैंडविच ब्रेड। मेरे पास सैंडविच ब्रेड नहीं थी तो मैं दूसरी नॉर्मल ब्रेड यूज़ कर रही हूँ। ये ब्रेड मिल्की ब्रेड है मेरे पास, ये मैं यूज़ करूँगी, इसका टेस्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। ब्रेड एंड बियॉन्ड की है ये, आप किसी भी अच्छी कंपनी की आप यूज़ कर सकते हैं।